इसके अंदर मछलियां भी बहुत सारी है इस तालाब के अंदर, मछली पकड़ के दिखाऊंगा। तो गाइस चाउमीन देख सकते हो कैसी लग रही है, अब फाइनल टच डाल दिया इसका हमने सोया सॉस। जय श्री राम वालों, फिर हाल चाल है आप सबके, मैं फतेह हो रही हूँ, होपफुली आप सब देख चुके। सो गाइस देख सकते हो मॉर्निंग का टाइम है, मैं कहाँ रखा संजय वन, क्योंकि बहुत पीसफुल प्लेस है, अगर किसी को पीस चाहिए हो तो आ सकता है। सो मैं यहाँ से मतलब मॉर्निंग का कोई सीन नहीं था, मतलब दोस्त के साथ जाने वाला था, दोस्त ने एम टाइम पर मना कर दिया, तो मैं अकेले ही आगे आ चुका हूँ। और यहाँ पर ब्यूटी दिखाता हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से, लेक उस साइड काफ़ी अच्छा सीन है बैठने का लेक के किनारे, तो उसी साइड जा रहा हूँ मैं। बाकी आप देख सकते हो लोकेशन कितनी प्यारी लोकेशन है, मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा लोग भी नहीं है, बस पक्षियों की आवाज़ है। यहाँ पे फूल वगैरह भी है काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें बेंच तो नहीं मिला बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पे बैठ चुका हूँ। और पीछे देख सकते हो कितना प्यारा लेक है। अब मैं कुछ खाने के लिए पैक करवा के लाया हूँ, रायता है, सब्जी है और माजा और चिप्स भी लेके आया कुरकुरे। सो ये सब चीज़ें हैं खाने के लिए, आज मैं पूरे दिन एंजॉय करूँगा, दिन तो नहीं मतलब 2-3 घंटे तो बैठूँगा आराम से, मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। सुबह इसके अंदर मछलियाँ भी बहुत सारी है इस तालाब के अंदर, मछली पकड़ के दिखाऊंगा। तो गाइस पूरी सब्जी निकाल ली है और ये व्यू देखो, आराम से बैठ के खाते। वैसे मैं बता नहीं सकता आपको कितना मज़ा आ रहा है, मैंने पूरी सब्जी पूरी खा ली है, अब रायता पी रहा हूँ। शायद इसे ही बोलते हैं पिकनिक, जो कि मैं अकेले बना रहा हूँ। इस हवा देखो कितनी खतरनाक चलने लगी है, मैं सोच रहा हूँ पानी के पास से थोड़ा हो गया हूँ। उस साइड जो बर्ड है ना, जूम नहीं हो सकता यहाँ से, वाइड में शूट कर रहा हूँ, उस साइड जाकर आपको बर्ड दिखाता हूँ। एक बहुत ही प्यारी बर्ड है दो, जो कि मछलियाँ खा रही हैं। ये जो बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये जो अस्थियाँ यहाँ पे बहाते हैं ना, मतलब ये पूजा पाठ का सामान वगैरह बहाते हैं, तो वो कलेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इस साइड भी देख सकते हो आप, कोई उस साइड ठंड लगने लगी थी, तो उस साइड है धूप, उसके इस लेक के उस साइड दूसरे साइड वहीं जा रहा हूँ। अभी देख सकते हो रास्ता कैसे है जाने का, इस साइड मस्त धूप है तो यहीं बैठते हैं थोड़ी देर। तो वैसे उस साइड पानी के सोर्स से ना काफ़ी ठंडी हवा बह रही थी और ठंड लगने लगी थी, इसलिए मैं धूप में आ गया। बाकी इस साइड से भी काफ़ी अच्छा, उस साइड बैठा हुआ था, उस साइड से पूरा घूम के इस साइड आया हूँ। पेड़ देखो इस पूरा गिर के तभी भी हरा भरा है, पेड़ पूरा गिर रखा है, इसकी आधी से ज़्यादा जड़ें निकल रखी है, लेकिन फिर भी बैठे बैठे तो मुझे नींद आने लगी बहुत भयंकर। निकलूँगा मैं थोड़ी देर में, जाकर सो गया, नींद आने लगी यहाँ, मतलब इतनी बस धूप आ रही है ना, हवा भी चल रही है तो नींद आ रही है, तो चलते हैं थोड़ी देर में घर, घर जाकर सोते हैं। सुबह सब चलते हैं वापस घर, बाइक लेते हैं अपनी पार्किंग से निकलते हैं। और टाइम हो चुका है 12:08, अप्रॉक्स 2-3 घंटे हो चुके हैं, मैंने बता दिया इस पार्क बाइक मैंने गेट पे ही पार्क कर रखे थे।
पूरा मैप बन रखा है कि किस साइड लेक है और कहाँ कहाँ है। बहुत बड़ा पार्क है गाइस, ये सिर्फ पार्क का नॉर्थ साइड है। अब जाके घर पहुँचा हूँ मैं, टाइम हो गया 2:11 और अभी 10th की 12th की एग्ज़ाम चल रहे थे। इस चक्कर में इतना जाम लग रखा था, बहुत मुश्किल से आया हूँ और इतनी भयंकर नींद आ रही थी वहाँ पे और यहाँ पे जाकर सारी नींद गायब। तो कोई नहीं, थोड़ी देर सो। तो गाइस दिनेश आ चुका और आज चाउमीन बनाने का प्लान है, तो ये पूरा चाउमीन वाला बन गया ये उनका भाई है। और वो ले गया है विनेगर मुझे पता था विनेगर, लेकिन यही सुनना चाहता था। देखो चाउमीन का सारा सामान लेके आए, तो चाउमीन बनाएंगे आज। कच्चा खा रहा है, स्वाद आ रहा है उसमें, पेट में दर्द होगा कच्चा मत खा। और देख जितना खाएंगे भाई, ये मुझे ज्यादा लग रहा है, आधा पेट में कितनी जगह। अभी मैं तो खाना खा के आया हूँ सभी खा गए हैं। अबे एक घंटा ये ना कि खा ले, वेस्ट ना हो बस ये भाई। एक घंटा लगेगा तो उसके हिसाब से बता। अबे ये आपसे अबे तू बता। नहीं यार नहीं खाया जाएगा मेरे पे ज्यादा भाई, आधे डाल दे तू। मैं बता रहा हूँ नहीं खा करके, मैक्रोनी भी पूरा यही खाया था इसको मैं जानता हूँ भाई। पहले हम चाउमीन उबाल रहे हैं, डाल दे आधी डाल दे। उदी ना दो बंदों ने खा ली यार आधी तो है। अरे बस खाली, पर वो 800 था यार, एक किलो है ये भी तो है। तो तूने क्या बोला था? क्या बोला था मैंने? साले बस भाई, साले तो कितनी सारी है, साले ये फूलेगी पता है, साले तुम पागल हो। साले ये छोड़ना है, कितनी खा लोगे तू? आसान के लिए भी रख लिया फिर। अबे तो साले यही थोड़ी खा के रात बितानी है, देखा ही जरा। अबे खा। तो भाई देख लो चाउमीन उबल चुकी है और इसे हमने पानी इसका पूरा निकाल लिया। अब चाउमीन डाल दे इसमें, डाल अभी तो पानी निकल जाएगा ना सारा। टेंशन है इसको मैंने चाउमीन लेने का कोर्स कहाँ से किया था? चाउमीन लेने का कि बनाने का? सॉरी बनाने का। अरे बाप रे, देख लो भाई मेरे चाउमीन उबल चुके हैं, पानी लीक ही हो रहा है। तो भाई ये इसको ध्यान थोड़ी लगा इसमें, इसको दबाओ ठंडी हो जाएगी। तो भाई अब चाउमीन को सुखाया जा रहा है पंखे के नीचे। भाई अंकल का चेकर क्यों बन रहा है? उन्होंने तो वहीं रह के तैयारी की थी ना। तो गाइस इतनी सारी चाउमीन बनाने के लिए मेरे पास कढ़ाई तो नहीं थी, तो लास्ट में इसमें बना रहा है पतीले में। दिनेश द मास्टर शेफ, बंद कर पहले। गाइस देख लो ये प्याज डालने लगे, सबकी हालत खराब हो गई, लेकिन एक बाहुबली जा सकता है। अबे अब सही हो गया, अब नहीं उछलेगा। क्या बहुत चाउमीन देख सकते हो कैसे लग रही है। अब फाइनल टच डाल दिया इसका हमने, थोड़ा सा खिचड़ी बन गई। तो बन गया है, ले आओ प्लेट। अबे यहां तो फर्क है। सो गाइस देख लो चाउमीन रेडी हो गई है। सो गाइस चाउमीन रेडी हो चुकी है, अब खाते हैं। इतनी भयंकर नींद आ गई थी कि मैं दोपहर में सोया था, सीधा शाम में 6:30 बजे उठा हूं। और फिर खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, आज बाहर से ही खाने के लिए ले आया मैं शाही पनीर बटर नान। सो आज बाहर का ही खाते हैं। सो गाइस होप आप सभी को, सो गाइस खाना मेरा डन हो चुका है, खाना खा लिया है और बर्तन वगैरह रात में धुल लिया, कल सुबह ही धुलूंगा। सो गाइस होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, लव यू ऑल, कीप शूटिंग। कमी तो है तुम्हारे खाए, तभी तो है तुम्हारे पास, ना छोड़ो कभी हमारे।